हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि आखिरी भर्ती कब तक आने वाली है, पहले फिजिकल होगा या पहले एग्जाम होगा, एज में आपको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों कई सारे सवाल आपके मन में हैं, तो सभी सवालों के जवाब हम आपके लिए लेके आ चुके हैं, वो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ऑफिशियल अपडेट के साथ। तो दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। इसके अलावा दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों जल्द ही हमारा दिल्ली पुलिस का है वो नया कांस्टेबल का बैच स्टार्ट होने वाला है। बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माइंड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको बैच संबंधित जानकारी जल्द से मिल सके, फ्री वीकली टेस्ट का भी फायदा आप है वो निश्चित तौर पर उठा सके। चलिए दोस्तों कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं, कई सारे सवाल आपके मन में हैं। उससे पहले दोस्तों एक नई अपडेट, दोस्तों आज की न्यूज है वो मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम आपको सवाल देखने वाले हैं। आज की न्यूज है 6000 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती, इनमें 3000 होगी महिला जवान, जल्द होगी प्रक्रिया। बहुत अच्छी अपडेट दे रहा हूँ, आज ही की अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ दिल्ली में पुलिसिंग व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी है। एक माह में 1406 डॉट स्पॉट को रोशन करने का निगम को भी निर्देश दे दिया गया है। ये दोस्तों एलजी की कल जो वीके सक्सेना है उनके दोस्तों आपकी मीटिंग हुई है दिल्ली पुलिस साथ, दोस्तों आपकी एमसीडी वगैरह के साथ, ताकि दिल्ली की जो व्यवस्था उसको आपका अच्छे से और किया जाए, स्पेशली पुलिस की है पुलिसिंग और बढ़ाई जाए। और आपने दोस्तों अपडेट तो पहले देख ही लिया है कि आखिर वैकेंसी 6000 से ज्यादा पदों पर आने वाली है, तो ये आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। राजधानी में पुलिसिंग व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए जल्द ही 3000 महिला जवानों समेत 6000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में गुरुवार को महिला सुरक्षा पर आयोजित बैठक में इस पर चर्चा हुई। दिल्ली पुलिस ने बैठक में कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान एलजी ने दिल्ली पुलिस बल में महिला कर्मियों को प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जोर पर जोर दिया। एलजी ने महिला सुरक्षा के मुद्दों पर निपटाने वाली कमेटी का भी गठन किया है। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ये मेरे मन से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको पहले कई दिनों से अपडेट दे रहा हूं, और ऑफिशियली अपडेट आने पर मेरा ये काम है कि मैं आप तक वो न्यूज पहुंचाऊं, ताकि दोस्तों जो बच्चे सपना देख रहे हैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती होने का, तो निश्चित तौर पर वो अपना सपना पूरा कर सके। और इतने ज्यादा पदों पर भर्ती दिल्ली पुलिस में कॉमनवेल्थ के बाद पहली बार आ रही है, तो जी जान से जुड़ जाइए। और भी अपडेट देख लेते हैं, वो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। ऑफिशियल अपडेट मेरे सामने आप देख सकते हैं, आरटीए का रिप्लाई 27/1/2023 को आया है, परंतु इसको अपडेट है वो थोड़ा लेट किया गया है, तो मैं आपको आज ही अपडेट दिखा रहा हूं कितने पदों पर भर्ती होगी। जो ओबीसी वाला इश्यूज था वो भी सॉर्ट आउट हो चुका है। जी हां दोस्तों, कोर्ट में जाने की उम्मीद करता हूं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओबीसी का जितना कोटा है उसके अकॉर्डिंग आपको वैकेंसीज है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से मिलने वाली है। मैं अपडेट ऑफिशियल देने वाला हूँ। ये आरटीए दोस्तों मैंने आपको दिखाई थी 18/1 को इसका रिप्लाई आया था, इसमें एक चीज नोटिस करने वाली थी जो मैंने आपको उस टाइम भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ। द कैलकुलेशन ऑफ द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2022-23 आर अंडर प्रोसेस, हेंस वी आर अनेबल टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन एट दिस टाइम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप एक चीज ध्यान देखिएगा कि आखिरी है वो पहले दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी कि आपको बता रही थी कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, परंतु वो चीज बंद कर दी है। अब ये बोल रही है कि हम वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसके बाद रिप्लाई ये आया 27/1/2023 को, इसमें भी यहां आप देखेंगे मैंने जवाब ये मांगा था कि मुझे मेल फीमेल की कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिल्ली पुलिस बताए, तो वो भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ बताया है कि 34,633 पदों पर हम भर्ती निकालने वाले हैं, जिसमें 4,310 आपके पद होंगे मेल के और 2,123 पद होंगे फीमेल के। तो दूसरी बात ये ध्यान रख लीजिए कि न्यूज में आपको दिखेगा 3000 से ज्यादा महिलाएं भर्ती होगी, तो दूसरी बात की वैकेंसी निश्चित तौर पर 6433 से बढ़ने वाली है, ये भी प्लस पॉइंट आपके लिए अच्छी खबर होने वाली है। और दूसरी बात की आपका दोस्तों जो एज लिमिट वाला इश्यू है वो यहाँ वही रहने वाली है, 18 से लेकर 25 साल रहेगी आपकी जनरल के लिए, 28 साल आपकी ओबीसी के लिए,
और दोस्तों 30 साल आपकी एससी एसटी के लिए मेल और फीमेल के लिए सेम आपकी एज है वो रहने वाली है। तो एज में कोविड की वजह से कोई भी ऐसी आपको है छूट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 2022-23 में ही आपको वैकेंसी दोस्तों देखने को है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से मिलने वाली। अब दूसरा इश्यू ये है कि आखिर दिल्ली पुलिस वैकेंसी में पहले फिजिकल होगा या दोस्तों यहाँ रिटन एग्जाम होने वाला है। तो फिजिकल की उम्मीद छोड़ दीजिए, रिटन एग्जाम पहले होने वाला है और उम्मीद ये है कि एसएससी इस भर्ती को कंडक्ट करवाएगी, परंतु आखिर ये कब तक करवाएगी, तो जल्दी जल्दी में 2-3 महीने बीत जाते हैं तो एसएससी आपका है। एक बार फिर से हर साल कैलेंडर अपडेट करती है, तो उम्मीद करता हूँ उस कैलेंडर में एसएससी के पास ये वैकेंसी फिर से जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस हिसाब से अपडेट मिल रही है कि एक बार फिर से एसएससी के पास वैकेंसी जाने वाली है जून से पहले मई के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, और दोस्तों आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।